नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। सोशल मीडिया पर इसी महीने 13 नवंबर को एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक मुस्लिम छात्रा अपनी सहपाठी हिंदू लड़की को हिजाब पहना रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मुस्लिम लड़की पहले हिंदू लड़की के माथे से तिलक मिटाती है, फिर हिजाब पहना देती है। कुछ इसी तरह के प्रसंग का चित्रण द केरल स्टोरी फिल्म में भी किया गया है। हिजाब चैलेंज के नाम पर मुस्लिम लड़कों या लड़कियों द्वारा हिंदू या ईसाई लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता है। इस्लामिक प्रोपेगेंडा के तहत उन्हें कई तरीकों से हिजाब पहनाकर उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। ऐसी एक नहीं कई घटनाएं हैं। हिजाब चैलेंज, हिजाब पहनने के तरीके सिखाने के बहाने, रील बनाने के बहाने या फिर शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब डे सेलिब्रेट करने के बहाने एक विशेष धर्म के लोगों द्वारा हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की जाती है। हिजाब चैलेंज के नाम पर हिजाब पहनाने के कई मामले सामने आए हैं। 3 सितंबर 2024 को हिजाब चैलेंज शीर्षक वाले एक वीडियो में पूरा बुर्का पहने एक महिला इलाके में घूम रही युवतियों के पास जाकर उनसे हिजाब पहनाने के लिए पूछती पाई गई। इस YouTube वीडियो की कड़ी आलोचना हुई थी जिसके बाद इस चैनल के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए चैनल के ओनर को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं इसी वर्ष मार्च महीने में हिजाब ट्रांसफर की एक रील YouTube पर वायरल हो रही थी जिसमें एक हिंदू छात्रा को हिजाब पहनाया जाता है। इस वीडियो पर एक विशेष धर्म के एक युवक ने कमेंट कर इसे इस्लाम की जीत बताया था। मार्च महीने में ही YouTube पर ट्राई ऑन हिजाब चैलेंज टाइटल से एक वीडियो पब्लिश हुआ। इसमें भी मुस्लिम युवक और युवती तख्ती लेकर हिजाब चैलेंज दे रहे थे। इसी महीने YouTube पर एक और वीडियो वायरल हुई थी। ये वीडियो पीस टू ऑल चैनल द्वारा नॉन मुस्लिम्स लव्ड ट्राइंग द हिजाब नाम से हिजाब चैलेंज का था। वीडियो में कुछ मुस्लिम महिलाएं कैंप लगाकर गैर मुस्लिम महिलाओं को पहले हिजाब पहनने का टास्क देती हैं और टास्क पूरा होने के बाद फिर उनको हिजाब गिफ्ट के तौर पर दे देती हैं। इससे साफ है कि चैलेंज देने वाले इस गेम का उद्देश्य गैर मुस्लिम लड़कियों का इस्लामीकरण करना है और नतीजतन लड़कियां हिजाब को हमेशा के लिए अपना भी लेती हैं। इससे हम जून 2018 में हुई एक घटना से समझ सकते हैं जब रमजान के दौरान मुस्लिम संगठनों द्वारा चलाए गए हिजाब चैलेंज को एक क्रिश्चियन परिवार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद माँ एली लॉयड और बेटी ग्रेस लॉयड दोनों ने दैनिक जीवन में भी हिजाब पहनना शुरू कर दिया। वैसे शैक्षणिक संस्थानों में भी इस तरह की गतिविधियां देखने को मिल जाती हैं। 29 सितंबर 2015 का एक मामला है। मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन की आउटरीच चेयर मोमिना शेख ने हिजाब चैलेंज को लेकर एक यूनिवर्सिटी कैंपस में 3 दिवसीय इवेंट आयोजित किया जिसमें एक ईसाई लड़की को हिजाब गिफ्ट किया जाता है। इसी तरह शैक्षणिक संस्थानों से भी कई लड़कियां कन्वर्ट हो जाती हैं। मार्च 2021 का एक मामला है। क्रिश्चियन से मुस्लिम बनी एशले पियर्सन खान नाम की एक महिला ने एक इंटरव्यू के दौरान ये खुलासा किया कि वो कैसे कन्वर्ट हुई। वीडियो में एशले पियर्सन खान बताती हैं कि वो स्कूल में आयोजित वर्ल्ड हिजाब डे इवेंट के दिन इस्लाम की ओर आकर्षित होना शुरू हुई, जिसके बाद उन्होंने 30 दिन का हिजाब चैलेंज लिया और फिर इस्लाम स्वीकार कर लिया। इसी तरह मुस्लिम समाज की कई लड़कियां ट्रेंड के नाम पर हिजाब को खूबसूरत बोलकर दोस्ती के नाम पर विशेष समुदाय के लड़कों को हिंदू लड़कियों से मिलवाती हैं और धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश करती हैं। जैसा द केरल स्टोरी में देखा गया है वो सभी सच है। ऐसे में हिंदू लड़कियों को ऐसे लोगों से, इस समाज की लड़कियों से सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपके आसपास भी इस तरह हिजाब चैलेंज दिया गया हो तो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं।